हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2/3 राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, तो 2/3 राइट एंगल मतलब 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, यानी कि इनटू 90 डिग्रीज हमें करना है। इक्वल टू, अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 30 जा 90, तो ये 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो 2 × 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका आंसर 60 डिग्री है। स्ट्रेट एंगल है 5/6। स्ट्रेट एंगल मतलब 5/6 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। अब ऐसे मेंटली सोचिए, तो 5/6 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का होता है, तो 5/6 × 180 डिग्री ऐसे करेंगे हम लोग। इक्वल टू, तो 6 और 180 को कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 30 जा 180, तो ये 30 डिग्रीज होगा। तो 5 × 30 हमारा 150 डिग्रीज होगा। तो 5 × 3 आप पहले कर दीजिए, 5 × 3 15 होता है, और एक जीरो को 15 के साथ ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा 150 डिग्रीज होगा। नेक्स्ट है 2/15 ऑफ ए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्रीज। तो 2/15 कंप्लीट एंगल मतलब 2/15 ऑफ ए कंप्लीट एंगल। तो ऐसे करेंगे 2/15 × 360 डिग्रीज। अभी 15 और 360 को कैंसिल करेंगे, तो ये देखिए 360 / 15, 15 2 जा 30 माइनस करेंगे, तो 6 6 - 0 6, ये 0 नीचे आएगा 60, तो 15 4 जा 60 माइनस करेंगे 0, तो 15 और 360 को कैंसिल करेंगे, तो 15 1 जा 15, 15 24 जा 360, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है, तो 24 डिग्री हम लोग ऐसे लगा देंगे सिंबल। अभी 24 × 2 मतलब 48 डिग्रीज, तो इसका आंसर 48 डिग्रीज है। ये देखिए 24 × 2, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 48 डिग्रीज है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द गिवन एंगल इन 6 डिफरेंट वेज। तो 6 डिफरेंट वेज में ये जो एंगल है इसको हमें मेंशन करना है। तो ऐसे फर्स्ट वे में देखिए, यहाँ पे ए है, तो ये एंगल ए आप लिख सकते हैं, तो एंगल ए। नेक्स्ट हम लोग y से स्टार्ट करेंगे, तो y x n, एंगल y x n बिट 3 में लिखेंगे, y एंगल y x z, एंगल y x z। तो एंगल ए लिखे, फिर y से स्टार्ट किए, y x n y x z। अभी m से स्टार्ट करेंगे, एंगल m x n, फिर एंगल m x z। ये 5 ऑप्शंस हो गए। अभी 6th ऑप्शन, अब चाहे तो जैसे बुक में दिया गया है, तो किसी भी एंगल को उल्टा करके लिख सकते हैं, जैसे एंगल n x y, x y, जैसे हम लोग ऐसे y x n लिखे थे, उसको उल्टा करके बुक में दिया है आंसर में, एंगल n x y। लेकिन मुझे समहाउ फील होता है कि अगर हम लोग 5 वेज में एंगल लिखें वो सफिशिएंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये ओनली एक्स्ट्रा है। ऐसे आप चाहें तो ये भी जो एंगल्स हैं इसको आप लोग ऐसे एंगल जेड एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, इसको एंगल एन एक्स एम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एंगल जेड एक्स एम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अकॉर्डिंगली लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 इज, यहाँ पे दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन फिगर, वर्टेक्स ऑफ एंगल 1 इज। तो ये देखिए एंगल 1, तो इसका वर्टेक्स ए है।
अनदर नेम फॉर एंगल टू इज, ये एंगल टू है तो इसका एंगल सी ए डी ऐसे लिख सकते हैं, या एंगल डी ए सी ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी वन लिखिए। अनदर नेम फॉर एंगल वन प्लस एंगल टू इज, तो एंगल वन प्लस एंगल टू मतलब ये टोटल एंगल, तो ये हमारा एंगल बी ए डी ऐसे लिखिए, या एंगल डी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन आर्म ऑफ एंगल वन एंड एंगल टू, तो ये देखिए एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो दोनों में कॉमन आर्म ये है ये वाला, तो हम लोग लिखेंगे ये ए सी, हम लोग लिखेंगे ये ए सी है। एंगल वन एंड एंगल टू आर, तो ये देखिए एंगल वन और एंगल टू के बीच एक कॉमन आर्म है, और इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स है ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है, और दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइल डूइंग ड्रिल रोहन वाज आस्क्ड टू अबाउट टर्न, तो अबाउट टर्न का मीनिंग आप लोगों को समझना है। आफ्टर 2 मिनट्स ही वॉज अगेन आस्क्ड टू अबाउट टर्न, हाउ मेनी डिग्रीज डिड रोहन टर्न इन द एक्टिविटी। तो अबाउट टर्न का मीनिंग है अगर आप किसी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेके जब फेस करेंगे उसको अबाउट टर्न कहा जाता है। तो मान लीजिए आप अगर ऐसे ऐसे में बनाती हूँ एक फिगर, डायरेक्शन का जो फिगर है उसको बनाने से इजी रहेगा। तो मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, अबाउट टर्न मतलब आपको टर्न करके ऐसे साउथ डायरेक्शन को फेस करना है, उसको अबाउट टर्न कहते हैं। तो जब आप लोग मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन का अगर फेस कर रहे हैं तो आप टोटल जब 180 डिग्रीज का टर्न लेंगे जिसको अबाउट टर्न कहा जाता है, तब आप साउथ डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो अबाउट टर्न भी ऐसे आप सोचिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करना होता है, या वन अबाउट टर्न इक्वल टू 180 डिग्रीज ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो रोहन जब ड्रिल कर रहा था ही वॉज आस्क्ड टू अबाउट टर्न, तो मान लीजिए अगर रोहन नॉर्थ को फेस कर रहा था उसको अबाउट टर्न करने के लिए कहा गया, तो वो साउथ को फेस किया, यानी कि वो 180 डिग्रीज मूव किया। फिर आफ्टर 2 मिनट्स ही वॉज अगेन आस्क्ड टू अबाउट टर्न, तो ये उसका फर्स्ट पोजीशन है, ये उसका सेकंड पोजीशन है, तो अभी वो ऐसे फेस कर रहा है सोचिए। फिर उसको 2 मिनट बाद कहा गया कि और एक बार अबाउट टर्न करो, फिर वो 180 डिग्रीज मूव किया, या फिर साउथ से ऐसे नॉर्थ अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया, तो ऐसे 180 डिग्रीज मूव किया और एक बार, फिर साउथ से अगेन उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पर आया नॉर्थ पोजीशन में। हम लोग एज्यूम किए हैं कि वो नॉर्थ को फेस कर रहा था, हमें पता नहीं वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था, लेकिन जैसे हम लोग एज्यूम्पशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो टोटल फिर वो नॉर्थ से साउथ 180 डिग्री टर्न किया, फिर और एक बार साउथ से नॉर्थ 180 डिग्रीज टर्न किया, यानी टोटल 360 डिग्रीज वो टर्न किया। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप याद रखेंगे कि वन अबाउट टर्न इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो वो 2 अबाउट टर्न किया, 2 अबाउट टर्न्स इक्वल टू 2 × 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्रीज ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो हाउ मेनी डिग्रीज डिड रोहन टर्न इन द एक्टिविटी, तो इसका आंसर होगा ही टर्न 360 डिग्रीज इन द एक्टिविटी, इसका आंसर है ऐसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म होता है।